सावादा विर्मनि सिखाप धिंस्मादियामि पहले सभी लोग अपना परिचय देंगे और फिर सुधीर सर अपना विदा बहन का कंसर्ट आपको समझाएंगे, फिर आप अपने विचार रख सकते हैं। जो भी आपके जहन में सवाल जवाब आएंगे वो सुधीर राज जी उसका जवाब देंगे। तो पहले वन बाय वन सब आप लोग अपना परिचय देंगे। सबसे पहले मैं ये परिचय दे रही हूँ। मैं अच्छा हूँ सेक्टर 5 गुड़गांव से ही हूँ और लगभग 20 सालों से सामाजिक काम में लगी हुई हूँ और महिलाओं को जगाने का काम करते हैं। जैसा भी गीता जी बनता है कि महिलाएं जल्दी से घर से निकल के नहीं आती हैं, हमने बहुत फ़ोन करे महिलाओं को, लेकिन अभी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कोशिश 20 साल से जा रही है कि हम कहाँ पे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्यों आज तक हमारे इतनी एट्रोसिटी होती है, क्यों आज तक संविधान लागू नहीं हुआ, कि इसकी क्या रीज़न है संविधान लागू ना होने का। वही जानितियाँ बनती है वहाँ पे, हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो कुल मिला के सबसे बड़ा जो मैं फिर में बोलूँगी बाद में, बाकी सब अपने बातें रखना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने जो गलतियाँ करी उन सब गलतियों को हम अब सुधारें और संविधान को ही हम नेता माने। संविधान ही हमारा नेता है, माने नहीं, संविधान ही हमारा नेता है। कल परसों मैं एक प्रोग्राम में गई थी, कबीर मंचाड़ों ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, तो मैं वहाँ पे भी संविधान को लेके गई थी और मैंने वहाँ पे भी ये बात रखी कि भाई देखो संविधान ही हमारा नेता है। क्यों किसी के साथ कोई एट्रोसिटी होती, कोई भी कुछ भी काम होता है, मंत्री संतरी से लेके मंत्री तक हम इस संविधान की वजह से हैं। इसी की देन है जो आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और महिला होने के नाते मैं इतना अच्छा बोल पा रही हूँ, ये इसी संविधान की देन है। अगर हिंदू कोड बिल नहीं आता तो शायद मैं अभी यहाँ पे आप सबके सामने नहीं होती। तो मैं ये कहती हूँ कि संविधान हमारा नेता है, यहाँ पे कोई भी हेड नहीं है। कोई सोचे कि भाई मैं हेड हूँ या सुधीर सर हेड है या गांधी हेड है, नहीं, हमारे में कोई हेड नहीं है, सब इंडिविजुअल हेड है, यानी कि सब अपने आप में नेता है, सब अपने आप में एक अच्छे कार्य करता है। तो हम अपना कर्तव्य ड्यूटी समझ के, ना कि हमारे हम ये बात करते हैं कि अधिकार में रहिए, हम कर्तव्य की बात कभी नहीं करते कि मेरा ये कर्तव्य बनता है। तो हम अपना पहले कर्तव्य को जान के और विदा पीपल का जो कंसेप्ट है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम विदा पीपल में 3-4 महीने से जुड़े हुए हैं, 2 महीने से जुड़े हुए हैं, 6 महीने से जुड़े हुए हैं, या हम कह रहे हैं कि हम 2014 से काम कर रहे हैं लगातार, दरअसल विदा पीपल में तो हम जन्म से जुड़े हुए हैं और हमारे जो माता और पिता, दादा और परदादा हैं, उन्होंने ही ये समर संघ बनाया जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, मगर उन्होंने हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। क्योंकि अगर आपको ये पता चले कि गुड़गांव की सारी ज़मीन आपकी है, अगर आपको ये पता चले कि भारत की सारी ज़मीन आपकी है, अगर आपको ये पता चले कि ईरान से लेके और बर्मा तक राजा आप ही रहे हैं अशोक के समय में, तो थोड़ा जोश सा आ जाता है, थोड़ा सा गुरूर आता है, थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है, थोड़ी शक्ति बढ़ जाती है, थोड़ा यकीन बढ़ जाता है अपने ऊपर, और अपनी बुद्धि पर, अपने बल पे जब यकीन आता है तो आदमी बहुत कुछ फतेह कर सकता है। मगर अगर ये कह दें कि थोड़े से लोग हो तुम, तो काम भी जबरदस्ती करके गंदे गंदे से पढ़ा दिए हों जिनमें कोई इज्जत ना हो, फिर अच्छा काम भी हम करते हों दफ्तर में या खेत में, उसके बाद भी कहते हैं अरे बेकार है, कुछ नहीं आता, हम मेरिट में पढ़ लिख के आगे बढ़ भी जाएँ फिर भी कहें कि अरे तो कुछ नहीं जानते, अगर इस तरह से कहा जाए और समण शब्द ना बताया जाए और कहा जाए कि शिरमण हो, क्योंकि शब्द जितने भी हैं वो बदल दिए गए इसलिए हैं क्योंकि वो सारे के सारे शब्द पुराने वाले शब्दों के इतिहास बड़े गौरवशाली हैं, और जो शब्द बदले गए, बदलने को मॉडिफाइड बोलते हैं और संस्कारित भाषा में संस्कारित ही बोलते हैं उसको, यानी जिसका संस्कृत आप बोलते हो, जो संस्कारित किए गए, जो मॉडिफाई किए गए, जो बदले गए, तो भाषा पूरी बदल के हमारी उसको संस्कारित किया गया। ऐसी संस्कारित भाषा पूरी दुनिया में हजारों हैं, लाखों हैं, उर्दू भी संस्कारित भाषा है। तो इस समण का शब्द बदल के क्या किया गया, किसी को पता है क्या शब्द किया इसका? समण, श्रमण कर दिया, और श्रमण के साथ में क्या जोड़ दिया, हम तो श्रम करने वाले लोग हैं भाई, श्रमण का मतलब है श्रम करने वाले, और फिर कुछ नए शब्द भी बना दिए भाई, श्रमिक हैं, श्रमिक बना दिया, श्रम करने वाले हैं। तो मन में क्या आएगा, हमारा तो खानदानी शुरू से लेकर आखिर तक श्रम करने वाला है। अच्छा, इस पर गर्व भी करवा दिया, हम तो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत का खाते हैं, तो हम बड़ा गर्व कर रहे हैं कि हम खेत में काम कर रहे हैं, श्रम वाले हैं, और बड़ा गर्व है,
हम चमड़ा काट रहे हैं हमको बड़ा गर्व है, हम नाली साफ कर रहे हैं हमको बड़ा गर्व है, हम सुअर काट रहे हैं हमको बड़ा गर्व है। मतलब गंदे कामों पे गर्व करना सिखा दिया। जैसे आजकल दिल्ली में एक काम चल रहा है, झुग्गी झोंपड़ी नायक अभियान। अरे झुग्गी झोंपड़ी में कोई नायक रहते हैं क्या? गरीब और मजदूर लोग रहते हैं, वहां कहां नायक मिलता है? मगर उनको नायक कह दो तो नायक अभियान हो गया। तो किसी ने ये सोचा ही नहीं, जाना नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो हमारी खत्म कर दी ना, तो पता नहीं चला। तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं हुई, हम तो अनपढ़ थे। अरे भैया अनपढ़ कैसे थे? अशोक के पत्थर की किताब किसने लिखी? हमने लिखी। तो अनपढ़ आदमी कैसे लिख देगा? तब क्या कागज था? तब क्या कंप्यूटर पर अक्षर बना के देता था हमको? जब अक्षर ही उसी समय बने, अशोक ने सबसे पहले अक्षर बनाए हैं, तो अक्षर हमने तो बनाए, क्योंकि नाम क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि। तो जो नाग लोग हैं वो हम ही तो हैं, बाबा साहब कहते हैं नागवंश तो हम हैं, तो हमने वो शब्द बनाए हैं। तो जब लिखने वाले हम थे तो पढ़ने वाले कौन? मैं लिखने वाला तो पढ़ने वाला होता है, तो लिखने वाले पढ़ने वाले हम ही थे। तो उन्होंने हमारा लिखना पढ़ना बंद किया, और उसमें दिक्कत तब आई जब उन्होंने लिपि बदली थोड़ी सी, कुछ शब्द बदले, तो श्रवण कर दिया। तो श्रवण से दिमाग में डाल दिया कि श्रम करने वाले लोग हैं, तो श्रवण कोई जानता ही नहीं। तो बाबा साहब तो पाली दे के गए हैं, बाबा साहब को आप ये मानो कि बाबा साहब इस भारत के उस्तादों के उस्ताद हैं। मतलब दुनिया के नंबर वन तो वो हैं ही जानकार, मगर वो उस्ताद, और वो सबसे ज़्यादा दूरदर्शी भी हैं। उनको पता था कि कौन सी चीज़ कब काम करी। 70 साल बाद अब पाली को लोग बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, और शब्दों को समझ रहे हैं, और वहाँ तो क्लासें लग रही हैं महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र तो बाढ़ आने वाली है, वहाँ तो एक एक शब्द का पता चल रहा है वहाँ क्या है क्या नहीं। हाँ, तो ये जो समण शब्द है, समण हम हैं, तो बुद्ध भी कौन है? समण है। तो पूरे साहित्य में समण शब्द आता है, तो हम सारे कौन हैं? समण हैं हम सारे सारे। तो हम जब सारे समण हैं तो संघ किसका है? समण का है। तो संघ में क्या होता है? लोग इकट्ठे होते हैं। तो हम तो पैदाइशी इकट्ठे होने वाले लोग हैं, और पैदाइशी इकट्ठे होकर चलने वाले लोग हैं। और बुद्ध भी समण संघ के मेंबर थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसमें वो कहते हैं कि एक बार सिद्धार्थ गौतम, जब तक बुद्ध नहीं बने थे, सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि झगड़ा हो गया शाक्यों में और कोलियों में पानी के लिए। तो जो संघ था उसका ये निर्णय हुआ कि हमको युद्ध करना है पानी के लिए। ये बार बार जो रोहिणी नदी है उसका पानी ले जाते हैं। अब सिद्धार्थ गौतम तो थोड़े से ज्यादा जानकार थे, तो उन्होंने कहा भाई युद्ध करना इसका वो नहीं है मामला। संघ नहीं माना, कह रहा नहीं नहीं संघ का निर्णय हो गया, युद्ध करना पड़ेगा। कह रहे जी मैं संघ का नियम नहीं मानता। तो कह संघ का नियम नहीं मानते तो सजा ले ले। तो सजा उनको हो गई, 3 सजाओं में से 1 सजा चुनी गई। तो उन्होंने संघ से, गांव से बाहर निकलना, कपिल वस्तु से बाहर निकलना तय कर लिया, सब छोड़ के जाने का। तो संघ तो उस समय था जब सिद्धार्थ गौतम थे। कोई कहता हो कि बुद्ध ने समण संघ बनाया, नहीं बनाया, हमारे बाप दादाओं ने और बुद्ध के बाप दादाओं ने बनाया है। और हमारे जितने भी संत थे वो क्या कहते थे, हरियाणा में खासतौर से, आओ संगत करें, आओ संगति में रहें, साधु संगति करो। साधु का मतलब शांत लोग, संगति माने एक साथ रहो, इसका नाम संगति है ही, जो ओरिजिनल है ना सम्मेलन संगति पड़ता है। तो जितने भी हमारे साधु थे वो सब कहते थे संगति में रहना है, यही तो कहते थे, आओ साधु संगति में, संगत में है संगत। और हमारे कुछ नाम, कुछ लोगों का नाम तो आज भी राजस्थान में संगत है, संगत नाम के नाम मिलेंगे आपको, एक हमारे विदा पीपल में भी संगत है। तो संगत जो है वो हमारा ही संघ था। तो बुद्ध के समय संघ कहते थे, और बाद में साधुओं ने, संतों ने, हमारे महापुरुषों ने इसको संगत कहना शुरू किया, संगति कहना शुरू किया। और बुद्ध से पहले इसको एक शब्द और कहते थे, सन्निपात बहुल। हम जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? सन्निपात बहुल कर रहे हैं। तो सन्निपात बहुल का मतलब होता था कोई आफत आई या ना आई कोई दिक्कत नहीं है, मगर सब, मतलब लगभग 7वें दिन में सारे सारे लोग काम छोड़ के, उसने कोई काम नहीं करता था, ना कोई जंगल जाता था लकड़ी वकड़ी लेने, फल वगैरह लेने, और ना ही कोई शिकार को जाता था। दो ही काम थे, खेतों में जाना, जंगल में जाना या शिकार। तो सब चौपाल पे बैठते थे, एक जगह जो ऊंची सी थोड़ी बनाई मिट्टी करके चौपाल हो गई, वहाँ बैठते थे। और वहाँ बैठ के एक दूसरे के पास बैठने को सन्निपात बाहुल बोलते हैं। इसका मतलब आज के समय सम्मेलन है, और बाहुल माने अधिकतर लोग, मतलब अधिकतर लोग आके वहाँ बैठते थे। तो वो अपनी समस्याओं का हल करते थे, क्या बात है, कैसे है, क्या करना है, हारी बीमारी परेशानी दुख मुसीबत फसल खेत खलियान खुशी मौका सारा वो करते थे। तो क्या हुआ, जो वज्जी लोग थे वो भी सन्निपात बहुल करते थे, वैशाली के वज्जी लोग। तो जो अजातशत्रु था मगध का राजा, वो चाहता था कि वैशाली को जीत ले, तो बार बार हमला करता था, बार बार वो हार के आ जाता था। ना तो वहाँ सेना थी उनके पास में,
जो वैशाली के लोग थे, और ना ही वो लड़ाई, वो तो किसान लोग थे सारे, मगर वो हार जाता था। तो उसने कहा मैं हार क्यों जाता हूँ बार बार, इनके तो ये बड़े सीधे साधे से लोग हैं फिर भी हार जाता हूँ। तो उसने अपना एक वस्साकार नाम का मंत्री भेजा बुद्ध के पास में कि कारण जानो, बुद्ध तो ज्ञानी आदमी सब जानते हैं। तो बुद्ध के पास आया, बुद्ध से कहा कि हम हार जाते हैं, हमको जीतना है। तो बुद्ध तो हिंसा से परे थे, लड़ाई वड़ाई का काम वो करते नहीं थे, तो उन्होंने मुंह फेर लिया। मगर वो चूंकि सवाल पूछ रहा है तो ये ना कहे कि बुद्ध को जवाब नहीं आता, तो बताना भी है कोई सवाल पूछा है, सारे सवालों का जवाब देते थे, किसी का नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद सात नियम बताए जो उनको अपरिहार्य नियम है, जिन पर पूरी दुनिया चलती है, पूरी दुनिया उनको मानती है अलग अलग तरीके से। उसमें एक नियम उन्होंने बताया कि जब तक वज्जी लोग वैशाली के सन्निपात बाहुल करते रहेंगे, यानी मिलते रहेंगे लगातार, और निर्णय एक लेंगे बहुमत से, जैसे मान लो हमने यहाँ ये निर्णय लिया कि हमको पराठे 2 बजे खाने या 3 बजे खाने, और 51% लोगों ने कह दिया जी कि हमको 2:30 बजे खाने, तो फिर 49% लोगों को भी 2:30 बजे खाने, यानी कि जो निर्णय एक बार बहुमत से पास हो गया उस पर सबको चलना है, तो एक निर्णय लेना है, एक पे चलेंगे, तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। जब ये उसको पता चल गया तो फिर उसने वहाँ तोड़फोड़ शुरू की, तब जाके वो जीता, उन लोगों को आपस में लड़ाया, उनमें वहाँ उसने पैसा फेंका, वहाँ औरतें फेंकी, वहाँ व्यवचार कराया, वहाँ शराब भेजी, वहाँ पापा जो पंचशील के सिद्धांत थे उनका उल्टा किया, तब वो जीता। और जब पंचशील के सिद्धांत हमारे अंदर उल्टे डाले गए तभी हम हारे हैं। तो जब तक हम सन्निपात बाहुल करते रहे तब तक हम हारे नहीं। तो ये नियम उन्होंने बताया था। ये सन्निपात बाहुल और संगत और संघ हमारी पुरानी संपदा है, और हम जितने लोग बैठे हैं वही संघी हैं, सही मायने में जो संघ के मालिक हैं वही हैं। मगर पूरी दुनिया ने हमसे वो कंसेप्ट लेके और सीख के और अपना अपना कल्याण कर लिया और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। जितने भी लोग आपको मिलेंगे, सिख मिलेंगे, उन्होंने संघ बना रखा है, उनका संघ है, उनके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो उनके यहाँ नियम पास हो जाए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये संगत के खिलाफ काम किया है, वो जूता पॉलिश करेगा, तो जूता पॉलिश करता है वो, प्रधानमंत्री है, जूता पॉलिश करता है गुरुद्वारे में। जब उसको सजा हुई थी याद है ना, जब उसको सजा हुई थी, जैल सिंह ने किया था, ज्ञान जैल सिंह, हाँ बरनाला को भी। तो उनकी उनका संघ का आदेश है, जैसे बुद्ध को जाना पड़ा, सिद्धार्थ गौतम इतना ज्ञानी आदमी उसको जाना पड़ा, तो संघ बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। तो संघ का मालिक भी संघ ही होता है, क्योंकि किसी भी संघ में कोई नेता नहीं होता। बुद्ध भी ने जो संघ बनाया, बाद में नियम बनाए, वो भी संघ नायक नहीं थे, वो कहते हैं संघ का मालिक संघ ही होगा, सारे व्यक्ति इसमें बराबर होते हैं, कोई भी बात कोई भी कह सकता है, निर्णय उसका सारे लोग मिलकर ही लेंगे और उस पर चलेंगे भी, ये बाध्यता है, उस पर चलेंगे भी, और जो नहीं चलेगा उसको पनिशमेंट होगी, वो पनिशमेंट लिखे हुए हैं, वो सारे नियम बनाए। तो संघ हमारा, प्रॉपर्टी हमारी, उन लोगों ने हमारा बेड़ा कनेक्ट करने के लिए हमारा संघी नाम ले लिया, मतलब हमको तो संघ से श्रमण बना दिया और हमारा जो ओरिजिनल संघ था वो ले लिया, और आज उन्होंने सब कुछ कब्जा लिया। ऐसा ही संघ सब लोगों ने बनाया हुआ है, जैसे जो अरब के लोग हैं उन्होंने भी संघ बनाया हुआ है, जिनको हम इस्लाम बोलते हैं या मुस्लिम बोलते हैं, ऐसे ही जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका भी संघ है। तो वो अपना सन्निपात बाहुल करते हैं, मुसलमान लोग फ्राइडे को करते हैं, और जो ईसाई लोग हैं वो अपना सन्निपात बाहुल संडे को करते हैं। मगर हमारा जो था वो सन्निपात बाहुल, ओरिजिनल सन्निपात बाहुल कब होता था? शनिवार को। पहले शनिवार नहीं था, सन्निपात बाहुल को ही सन्नीचर्या बोलते थे, सन्नीचर्या, जैसे दिनचर्या होती है कि सन्नीचर्या करनी है और इकट्ठे होने का काम करना है, और सन्नीचर्या से सनीचर कर दिया, और सनीचर से इसको मनुष कर दिया, और मनुष करके हमको कह दिया सनीचर में मत जाना भाई, सनीचर को बाहर मत निकलना, हमारा सन्निपात बाहुल हमें डरा के खत्म कर दिया। तो सन्नीचर जो शब्द पड़ा है, इसको शनिवार बोलते हैं, ये उसी से पड़ा हुआ है, यानी कि हमें अपना दिन तो हमारा लगातार आ रहा है मगर हम इकट्ठा नहीं हो रहे। देखो, दिन हमारा स्टार्ट हुआ हमसे, सन्निपात बाहुल से शनिवार और शुभ शनिवार आरंभ हुआ, मगर हम मिलते नहीं हैं, हम ये भूल गए और हमारे दिमाग में क्या डाल दिया। अरे पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई दिन मनुष्य बता सकता है? पूरी दुनिया में, भारत में ही आइटम होता है, जो चीज़ हमारी है, श्रमण का श्रमण कर दिया और हमको कह दिया मजदूरी करते रहो, और शनिवार को कह दिया कि ये शनिचर का दिन है, बाहर मत निकलना। यह सुबह मतलब हमें ख़त्म करने को और हम इकट्ठे ना हो जाएं, इसे रोकने का सारा काम कर रखा है, और हम आंख बंद करके, जैसे अभी मैंने नाम बताया नेत्राम, हमारा व्यक्ति नित्य क्या बोलते रमण करता है, अपने आप को शुद्ध करता है, अपने आप को सीखता है, सिखाता है, और नाम नेत्राम कर दिया। तो नाम तो सही है मगर गुण भूल गए उसका, कि गुण क्या है, नाम तो बहुत ऊंचा है तो गुण भूल गए, तो हमारे नाम बड़े ऊंचे। ये पाली हमें बताती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा दूर का काम किया हुआ है, इसलिए
सात दिन में दस दिन में पा लिया जाती है, वो तो खैर किताब विताब खरीद के आप पढ़ते रहना, वो सब समय आ जाएगा, वरना मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो देखते रहना। तो हम लगातार लगातार ये देख रहे थे कि भाई हमारे जो लोग हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तो खिची साहब मेहनत कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा सम्मेलन कर रहे हैं, और एक गुड़गांव में मीटिंग हो रही है, कहीं और भी मीटिंग हो रही होंगी गुड़गांव में, और दिल्ली में कई मीटिंग, संडे को तो मीटिंग की बाढ़ आ जाती है, शनिवार इतवार में सबसे ज़्यादा मीटिंग होती है दिल्ली जैसे शहर में, दसियों पचासियों मीटिंग होती हैं, कोई हॉल वॉल खाली नहीं होता, कोई बुधवार खाली नहीं होता। और हमारे सबसे ज़्यादा संगठन हैं 29 लाख, 4 लाख एक्टिवेट हैं, एक्टिव हैं हर जिले में, हर गांव में हैं। अभी एक भाई बता रहे थे कि हमारे गांव में हमने सभा बना रखी है, कौन बता रहे थे गांव में सभा, अशोक जी ने बताया गांव में सभा है, तो गांव तक में भी हमारा संगठन है। भाई ज़्यादा संगठन है तो तेज़ी से इकट्ठा होना चाहिए, पर हो ये रहा है कि ज़्यादा संगठन होने से तेज़ी से टूट गए हम। क्यों टूट गए, कारण क्या है कि वो संगठन है, संघ नहीं है। संगठन में अब क्या था कि जैसे हमारा पुराना नियम था कि संघ में कोई संघ का मालिक व्यक्ति नहीं हो सकता, संघ में सारे बराबर होंगे, संघ में कोई संघ नायक नहीं हो सकता। उन्होंने जो संघ बनाया उसमें उन्होंने संघ सर चालक भी बना के नायक बना रखा है, मगर संघ का नियम नहीं है। तो हम तो अपने नियम पर रहेंगे, हमें दूसरे से क्या। मगर मनुस्मृति ये कहती है कि मनुस्मृति के आधार पर जिन लोगों ने संगठन बनाए उसमें संघ नायक होता है, उसमें अधिपति होता है, उसमें प्रधान होता है, उसमें मुखिया होता है, उसमें प्रेसिडेंट होता है, एक व्यक्ति होता है, यानी व्यक्तिवाद उसके अंदर है, राजा उसके अंदर है, राजतंत्र उसके अंदर है। उसका एक महामंत्री होगा या वो जनरल सेक्रेटरी बोले, दोनों की एक बात है। उसका एक कोषाध्यक्ष या कैशियर होगा, हमारे संगठनों में चलता है ना, उसके कुछ मंत्री होंगे, दरबारी होंगे, और हमारे यहाँ कुछ पदाधिकारी बना देते हैं, हम सेक्रेटरी वगैरह बना देते हैं। तो संगठन की जो पकड़ है बड़ी लिमिटेड होती है, एक उद्देश्य के लिए बनता है, छोटा सा उद्देश्य होता है उसके लिए बनती है, और उसमें झगड़े हो जाते हैं क्योंकि प्रधान है वो फिर अपनी चलाने लगते हैं, संस्था चाहे काम करे ना करे मगर वो बॉडी बनी रहती है और प्रधान ही बनी रहती है। और भाई ऐसे प्रधान बने रहते हैं, कल मैं साइकिल में पंचर लगवा रहा था तो मैंने कहा आपका क्या नाम है, कह रहा मदन प्रधान। बस तू कहेगा प्रधान है, कह रहा ये जो कॉलोनी है 10-5 लोग टूट पड़े, मैं इसका प्रधान हूँ। मतलब बड़ा शौक है प्रधान बनने का, और बीमारी है कि हर गली में हमारे प्रधान है और हम बड़े परेशान हैं। तो ये पता चला कि भाई संगठन हमारा कल्याण नहीं कर सकते, चाहे वो छोटे हैं 5 आदमी के, चाहे वो 50,000 आदमी के हैं, चाहे वो 5,000 आदमी के, क्योंकि संघ हमारा कल्याण कर सकता है। तो संघ के कुछ नियम हैं जो बड़े कमाल के हैं और बड़े पुराने हैं। एक तो संघ किसी की रोटी नहीं खाता, संघ में सब अपनी रोटी लेके आते हैं, कोई दूर दराज से आए तो 2-4 रोटी फालतू लेके आते हैं, तो संघ में रोटी अपनी नहीं खा सकता, अपनी नहीं खा सकता मतलब लेके तो अपनी आएगा मगर वहाँ आके मिक्स करेगा, तो कौन किसकी खाता है, तो वो रोटी संघ की हो गई, आपने संघ को दान कर दिया, संघ की हो गई, फिर कोई कितनी खाए, कोई ना भी लाए तो भी खाए। एक संघ किसी का किराया नहीं लेगा, जैसे हम यहाँ आए हैं गाड़ी में अगर 4 लोग आए हैं तो भैया सब अपना अपना किराया जितना पेट्रोल डीजल का और बनता है दे दो, उससे बड़ा फायदा होता है क्योंकि आप अपना खर्चा खुद देंगे तो दोबारा आने का आपको रास्ता खुल जाएगा, दोबारा आने का रास्ता खुल जाएगा। एक आदमी अगर पैसा खर्च करेगा तो दोबारा आने में वो परेशान होगा, इतना पैसा होता नहीं हमारे आदमी के। संघ का नियम कितना मजेदार है, संघ कहता है कि कभी जिंदगी में व्यक्तिवाद हो नहीं सकता क्योंकि संघ में पहले कोई व्यक्ति हेड रहा ही नहीं, मुख्य रहा ही नहीं। संघ जो होता है ये कह सकता है कि गीता गोरिया बहन जी आपने ये काम करना है, ये संघ का आदेश है, वो काम करना पड़ेगा, मगर आप संघ की नायिका नहीं है। ये जो अर्चना बहन जी ने और गीता बहन जी ने जो आज ये मीटिंग की है वो इसकी अध्यक्ष नहीं बन सकती, और इसमें से मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा, मैं भी इसमें अध्यक्ष नहीं बन सकता, मैं अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ, आप सुनने की सेवा दे रहे हैं, मैं बोलने की सेवा दे रहा हूँ। अगर मैं खाली बोलने की सेवा दूँ और सुनने वाले ना हो तो देता रहे सेवा, कौन पूछता है, और सुनने वाले हों और बोलने वाला ना हो, जानकारी देने वाला ना हो तो सुनने वाले बेकार हैं, बैठे रहो भैया कोई फ़ायदा नहीं, पुरानी जानकारी लो चले जाओ, आपस में करते रहो, उससे तो कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ सब एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, सब एक दूसरे से पूरक हैं और सारे बराबर हैं क्योंकि सारे के सारे मानव हैं और मनुष्य हैं, ये संघ की खास बात है। संघ में एक नियम और कमाल का है कि संघ कभी राजा के पैरों में नहीं जाता, बुद्ध ने जो नियम संघ के बनाए हैं वो कभी राजा के पैरों में नहीं पड़े। तो यहाँ संघ कभी भी MP, MLA, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फलाना मंत्री, ढलाना मंत्री, इनके पैरों में नहीं पड़ेगा, ना ही राजनीति में जा सकता है। और संघ में सभी की मेंबरशिप रहती है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपके तो बाल मुझे पसंद नहीं आए, आधे काले आधे सफ़ेद हैं, आप संघ में मत बैठो। मेरा ये कहने का कोई राइट नहीं है कि आप संघ में बैठो ना बैठो, क्योंकि जितना राइट आपका है उतना राइट मेरा है,
तो जो बच्चा माँ के पेट में सांस ले रहा है वो भी संघ का मेंबर है, जो बूढ़ा मरने वाला है वो भी संघ का मेंबर है, जो औरत है वो भी संघ की मेंबर है, कोई पढ़ा लिखा है बहुत ज़्यादा है तो भी संघ का मेंबर है, कोई बिल्कुल अनपढ़ है तो भी, यानी पैदा अगर समण समाज में हो गया तो वो संघ का मेंबर है। तो इसकी कोई फीस नहीं होती, इसका कभी जीवन में कोई अकाउंट नहीं होता और इसमें कभी पैसे का कलेक्शन नहीं होता। मतलब मीटिंगें लगी हैं, यहाँ कलेक्शन नहीं होगा, जो खर्चा होगा यहाँ मिल बांट के हो जाएगा, जिसको जो देना है दे दे, जिसको ना देना ना दे, कोई कंपलसरी नहीं है। अच्छा खर्चा भी मिनिमम है भाई, कम से कम पैसा खर्च करना है और फोकट की जगह लेनी है। यहाँ तो इन्होंने 2100 रुपये लिया है, मजबूरी है कि देना पड़ा। बाकी यह है कि हम तो कह रहे थे कि पार्क वगैरह में कहीं करें, छत पर कर लें, किसी घर में करें, मोस्टली ये करते हैं। और कहीं बड़ी मीटिंग अगर लगेगी भी, जैसे डॉक्टरों की मीटिंग लग रही है 26 दिसंबर को लखनऊ में, तो उसमें 700 रुपये प्लेट खर्चे का है खाने का, तो भैया खाने का अपने आप दो, जो खाएगा वो देगा तो वो कंपलसरी है। और जो उन्होंने जगह ली है उसका 300 रुपये पर हेड बैठने का आ रहा है, तो दो भैया 1000 रुपया, इससे ज़्यादा वो लेंगे नहीं, क्योंकि बाकी काम सब उन्होंने कोई करना नहीं है। अपने किराए से आओ, अपने किराए जाओ, रुकने का कुछ अरेंजमेंट वो करा देंगे, कुछ अरेंजमेंट आपने करना है तो आके देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। मोस्टली फ्री की मीटिंग लगती है। तो संघ की मेंबरशिप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि 10 आदमी मिलकर ये कह दें कि अरे भाई सुधीर जी आपको नहीं रखेंगे, आप तो बड़े तेज तर्रार आदमी हो भाई, सारा संघ खा जाओगे, आपको नहीं रखेंगे। नहीं नहीं, मेंबरशिप उनका राइट रिजर्व है तो रिजर्व है उनका, अगर संघ की मीटिंग है तो वो बिल्कुल धड़धड़ाते हुए आ सकते हैं, जब तक वो संघघात ना करे। व्यक्ति संघघात करेगा, संघ तोड़ेगा और संघ उसको निकाला ना दे दे, संघ उसको बाहर ना कर दे, तब तक वो संघ का मेंबर है। तो ये संघ के नियम इतने कमाल के हैं कि इससे बहुत तेज़ी से, क्योंकि संघ के अंदर जात नहीं होती। बुद्ध के समय कोई जात ही नहीं थी और बुद्ध के बाद अशोक के समय कोई जात नहीं थी और अभी 500-600 साल तक भी कोई जात नहीं थी। अगर आप 200 साल पुराने नाम उठा लो या जो किताब जो लिखी हुई है पुरानी, अगर उनके नाम आप उठा लोगे तो आपको कहीं ये जो आजकल नाम चलते हैं जाति वाले, ये नाम नहीं मिलेंगे आपको। तीसरी पीढ़ी से आरंभ हुए हैं, अभी आरंभ हुए हैं, उससे पहले नहीं मिले। हरियाणा में नहीं मिलेंगे आपको, आप हरियाणा में किसी के दादा का नाम पूछे ना, उसके पिताजी का नाम पूछे ना, आपको अगर तो साधारण नाम है, तो पुरानी किताबों में साधारण नाम मिलते हैं। तो ये जाति सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, जो सिस्टम था वो वर्ण सिस्टम था बुद्ध के समय। वर्ण पाली में बोलते हैं रंग को, रंग यानी जैसे पीत वर्ण का हो गया, श्वेत वर्ण का, श्वेत वर्ण का मतलब सफ़ेद रंग का, पीत माने पीले रंग का, लोहित वर्ण माने लोहे जैसे वर्ण का, या कढ़े वर्ण का मतलब है काले रंग का हो गया, ये रंग चलते हैं। तो जो लोग बाहर से आए, वो पहाड़ों से आए, वो क्या थे? बिना रंग के, तो उनको बोलते थे एवन, यानी रंग ही नहीं है, एवन। और हम जो लोग थे काले, तो हम थे सैवन, यानी रंग सहित, रंग युक्त थे हम। तो सैवन से स्वर्ण होगा, सवर्ण कर दिया, क्योंकि उन्होंने वर्ण को पाली में बदलकर वर्ण कर दिया। तो सैवर्ण का मतलब है रंग वाले, और एवन कर दिया एवन से बिना रंग वाले, तो बिना रंग वाले वो लोग हैं, तो वो एवर्ण हैं और हम सवर्ण हैं, हो उल्टा गया। देखो, क्योंकि हम क्वालिटी में अच्छे थे, हम गुणवान थे, हम ताकतवर लोग थे, हम ही पढ़े लिखे थे, हम ही राजा थे और सेना भी हम ही थे। अशोक के समय जितने भी सेनापति थे वो हम ही थे सारे सारे। तो सवर्ण लोग हम हैं और अवर्ण लोग वो हैं। पाली जानोगे तो पता चल जाएगा कहानी क्या है क्या नहीं है। तो सारा एनालिसिस करने के बाद में, सारा सिस्टम जानने के बाद में ये समझ में आया कि भाई हमने सारे काम करके देख लिए, हमने खूब सारे संगठन बना लिए, हमने राजनीतिक पार्टी के ताले चाबी भी खोल लिए, हम धम्मी काम भी कर रहे हैं, हम आर्थिक काम की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर जितना जितना हम ये सम्मेलन करते जा रहे हैं, जितने जितने हम संगठन बनाते जा रहे हैं, उतने उतने बाबा साहब के लाए हुए अधिकार चले गए। और अब हालत ये हो गई कि एजुकेशन के भी लाले पड़ गए। पहले एजुकेशन फ्री में मिलती थी, अब एजुकेशन लाखों और करोड़ों रुपये मिलती है। डॉक्टर करोड़ में बनता है और इंजीनियर 50 लाख बनता है, और ये 10-5 साल में सारे इंस्टीट्यूट बिक जाएंगे और सारे कॉलेज और स्कूल भी बिक जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे सारे। तो पैसा आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि आपकी जो आमदनी है वो बाबा साहब के बाद आरंभ हुई है, बाबा साहब के भी 20-30 साल बाद। क्योंकि पहले तो वो ये कहते थे कि कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, हम पढ़े लिखे थे, फिर कहते थे अवेलेबल बट नॉट सुटेबल, तो वो सुटेबल नहीं होते थे, तो अवेलेबल भी होते थे, सुटेबल भी होते थे, फिर वो कहते थे कि ये कंपेटिबल नहीं है, मतलब दूर रहता है, पास रहता है, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, बहुत सारी बातें वो ऐसे बोलते थे। तो बहुत बाद में जाके हमको नौकरियां मिली हैं, 2-4 नौकरियां, पूरी मिली नहीं कभी। इस नौकरी के दम पे हमने अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए, मगर अब नौकरी नहीं है। अब जहाँ हमें नौकरियाँ मिलती थी, आरक्षण तो रहेगा, आरक्षण खत्म नहीं होगा,
मगर आरक्षण आप जिस कटोरे में लोगे वो कटोरा तो खत्म हो गया, जहां आपको नौकरी मिलनी है वो तो इंस्टीट्यूट खत्म हो गए, प्राइवेट कर दिए, बेच दिए, हिस्सेदारी बेच दी, सब खत्म हो गया वो, और वो जात में मिलेगा। जैसे अभी ये रेलवे में एक विज्ञापन आया है कि भाई अग्रवाल जाति के लोगों को ये विज्ञापन है, वो लोग आए रेलवे में, कौन है आपने देखा होगा, आया एक मेरे पास है कि अग्रवाल जाति के लोगों को वो मिलेगा। हाँ एडवर्टाइजमेंट है उसकी है। अच्छा अच्छा, ये तो बाय चांस खुला आ गया है, ये तो बाय चांस एडवर्टाइजमेंट खुला आ गया, मगर जो लिखा हुआ नहीं आता, जो सफेद स्याही से लिखा हुआ है वो तो सब जानते हैं, इंटरव्यू होता है तो पूछते हैं क्या नाम है, पीछे से कहाँ से हो, कौन हो, ये नाम के पीछे क्या पूछ लगी है, कौन से तेली हो, गुप्ता ही हो या तेली हो, सब पूछते हैं। मेरा एक दोस्त जो बनिया था, उसके नाम के पीछे गुप्ता लिखा हुआ था, वो एयरफोर्स में था और वो SSC के इंटरव्यू में कई बार गया और SSB के इंटरव्यू में उसका हुआ नहीं, क्योंकि उसको गुप्ता तेली मानते थे और उसका नहीं हुआ, कह रहा यार जात के सिस्टम में हम भी मारे गए, तो वो तो छुपा हुआ तो सब्जी का चलता है, तो वो नौकरियां हमको मिलेंगी नहीं, तो हमारे जो लड़के हैं वो क्या करेंगे, व्यापार हमारे पास है नहीं, इंडस्ट्री के हम मालिक नहीं, खेत हमारे पहले से जा चुके हैं, राजा हम हैं नहीं, बड़ी बड़ी पोस्टें हमारी खत्म हो गई, लेटर एंट्री में आ रही हैं, भाई करेंगे क्या हम, और जो काम नहीं करेगा वो तो मारा जाएगा। क्योंकि अभी मैंने एक समाचार पढ़ा है, 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली रेल के आगे, उनके घर खाना नहीं था, तो मारे जाएंगे, या हम क्रिमिनल बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे तो हमको पुलिस पकड़ ले जाएगी तो भी मारे जाएंगे, तो दोनों तरफ से मरना है, या तो हम वैसे मरे भूखे मरे या क्रिमिनल क्राइम करके मरे, और हम ही पकड़े जाते हैं, जेलों में हम ही भरे हुए हैं, कोई और भरा हुआ नहीं है, तो ये सारी स्थिति बड़ी मायूस वाली स्थिति है। मगर एक चीज है जो हमको बचा सकती है, और वो है जो बाबा साहब ने कहा है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब संगठन नहीं होता, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संघ, ऑर्गेनाइज का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े सेंटर की तरफ इकट्ठे हो जाएं। अगर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आफत शेड्यूल कास्ट की आती है, समण समाज में तो सारे आते हैं, ST OBC सारे आते हैं, मगर हम अगर 30 करोड़ लोगों की बात करें तो 30 करोड़ लोग अगर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो बड़ी शक्ति होती है। जैसे हम 2 अप्रैल को ऑर्गेनाइज हुए, इकट्ठे हुए थे खाली, हमारा संविधान में अधिकार बच गया, जैसे किसान इकट्ठे हुए तो किसानों का अधिकार बच गया, तो जो सिख लोग हैं वो परमानेंट ऑर्गेनाइज हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो परमानेंट ऑर्गेनाइज हैं, जो ईसाई लोग हैं वो परमानेंट ऑर्गेनाइज हैं, उनके संघ हैं, हमारा नहीं है, जबकि सबसे पहले हमारा था। तो जितने भी संगठन और जितने भी लोग हैं वो तो कभी नहीं चाहते कि संघ में हम लोग इकट्ठे हों। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि संगठन बनते कैसे हैं उसको समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संगठन जैसे ही बनता है किसी ऑब्जेक्ट को, उद्देश्य को लेके, तो सबसे पहले संगठन बनते ही क्या कहते हैं, पर्ची और रसीद बुक छपवा लो भाई और पैसा इकट्ठा करो। तो अपनी जेब से देता है पदाधिकारी, नहीं तो अपने रिश्तेदार के पास जाता है, नहीं तो दोस्त के पास जाता है, इन्हीं से सबसे पहले पैसा मिलता है। वो थोड़ा सा पैसा ही आता है, मगर वो थोड़ा सा पैसा फ्री का पैसा होता है, उसमें नीयत बदल जाती है, उसको खर्च करते हैं, पेट्रोल में डलवा लिया, कार में डलवा लिया, होटल पर खाना खाया तो लिख दिया, या एक होता क्या है कि कोई हमने अगर कुछ चीज़ बनाई है तो उसकी प्रधानी का मजा आना शुरू हो जाता है, हम उसके प्रधान है, हमारी चलती है, हमसे पूछ के अंदर घुसा, हमसे पूछ के अंदर बाहर आया तो बड़ा मजा आया है। वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ हैं जो हमें रोकती हैं। इस पैसे की वजह से क्या है कि पैसे का झगड़ा हो गया तो संगठन के 2 टुकड़े हो गए, अब तुम भी इकट्ठे कर रहे हो और हम भी इकट्ठे करें, तुम भी प्रधान हम भी प्रधान, फिर उनके झगड़े हो गए, फिर 2 के 4, 4 के 8 हो गए, ऐसे करते करते ये 29 लाख बने हैं। अच्छा, सारे संगठन क्या कहते हैं, हम सबको इकट्ठा करेंगे, किसको इकट्ठा करेंगे, 6,743 जातियों को। अरे भाई तुम क्या इकट्ठा करोगे, बाबा साहब इकट्ठा करके गए हैं, ST OBC बना के इकट्ठा करके गए ना, फिर तुम जाति जाति क्यों खेल रहे हो, जब वो सबको इकट्ठा करके, तो तुम शेड्यूल कास्ट बोलो, तुम OBC बोलो, तुम शेड्यूल ट्राइब बोलो, तो हम तो इकट्ठे हैं, उससे आगे इकट्ठा करो, इनको समण संघ बनाओ, समण समाज में लेके आओ, मगर वो जाति जाति के संगठन बना लिए और जाति के संगठनों पर गर्व भी कर लिए। पॉलिसी उनकी चल रही है, चला हम रहे हैं, अरे हमारी नहीं है, जिसके खिलाफ पॉलिसी बननी चाहिए वो हमारी पॉलिसी बना रहा है, तो जाति के संगठन होने लगे। तो 6,743 जातियों को इकट्ठा करने के लिए खिची साहब कितने संगठन हैं, 4 लाख एक्टिव और 29 लाख टोटल। अब कहाँ जाके मरे हम, ये बताओ, अब कहाँ जाके मत्था फोड़े और किससे हम ये कहें कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो और तुमने ये क्या किया कि तुम 6,743 टुकड़ों को, जिनको बाबा साहब पहले से ही जोड़ के जा चुके हैं, एक तो तुम उन पर मेहनत कर रहे हो, उनको खोलने में मेहनत कर रहे हो, तो एक तो तुम ये नुकसान कर रहे हो,
और दूसरा तुमने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि तुमने 6,743 जातियों की तरह ही 29 लाख और जातियाँ इकट्ठी कर दी और 4 लाख एक्टिव हैं और तुम उस पर गर्व कर रहे हो और हमको क्या कहते हो, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। भाई तुम हमारा कल्याण कर रहे हो, तुम हमारा काम तमाम कर रहे हो, तुमने तो हमारा खेल खत्म कर दिया। रोहित वेमुला मर गया, प्रोटेस्ट पूरी उसमें हुआ, कुछ ना हुआ। पायल तड़वी डॉक्टर थी, उसको घेर घार के आत्महत्या करवा दी उससे, वो मर गई, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? खैलांजी कर्म हुआ, वहाँ वो हुआ, बलात्कार हुआ, खूब फूका फाकी हुई वहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ बलात्कार होते हैं, यहाँ हत्या होती हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? संगठन है ना, मेरा संगठन करेगा। अब हम प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पे, मेरा संगठन, और सबको फ़ोन करके खुशामद कर रहे हैं, अब ये संगठन है वो है, मतलब अंदर से इच्छा नहीं है किसी की, मैं प्रोटेस्ट करना है भाई, आ जाना आ जाना। तो कह रहे यार कल को हमारा नंबर ना आ जाए, चलो तो 10-20 लोग इकट्ठा करके बैनर टांग के फोटो खिंचवा के और हो गया प्रदर्शन। सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो प्रदर्शन करने का फ़ायदा क्या रहा? तुमने 50 लोग बुलाए, 50 लोग किराया भाड़ा लगा, खाना लगा, दिन खराब हुआ, पर रिजल्ट तो नहीं आया क्योंकि संघ नहीं है। तो साउथ में होता है तो सेंट्रल में और यहाँ कुछ नहीं होता, नॉर्थ में होता है तो सेंट्रल और साउथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि संघ नहीं है, संगठन है। इसलिए हम जो मारे जा रहे हैं वो इसलिए मारे जा रहे हैं कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, चाहे वो धमके ग्रुप हैं, चाहे वो हमारे जो अम्बेडकर भवन, कबीर भवन और ये रविदास भवन या बुद्ध विहार बने, इनके छोटे छोटे भवन हैं, चाहे हमारे आर्थिक छोटे छोटे मामले हैं, चाहे हमारे सामाजिक संगठन हैं, चाहे इतनी सारी वाम सेव, इतने सारे बहुजन, इतने सारे मूल निवासी बने हुए हैं। और हमारी मूर्खता ये है कि इनको बना भी हम रहे, मतलब उनका दोष नहीं है, उनका तो काम बढ़िया है, वो तो रसीद बुक छपवाते हैं, 2-4-5 लाख का खेल कर लेते हैं, उनका काम तो सही है, वो तो अपने काम में पेटेंट हैं, वो हमको नहीं इकट्ठा होने देंगे, मगर हम क्यों उनको पैसे दिए जा रहे हैं? अपनी मौत को खुद क्यों बुलाया जा रहे हैं हम उनको? हम उनको एक बार भी क्यों नहीं कह रहे कि पैसे जब देंगे, जब इकट्ठे होके आओगे? अरे भाई समाज का काम करोगे तो समाज के 1 लाख संगठन थोड़ी हो सकते हैं, एक संगठन बनाओ, ब्रांच हो सकती हैं। अम्बेडकर भवन जैसा ये है, अगर सारे अम्बेडकर भवन जुड़ जाए तो ये एक ब्रांच है, मगर एक अम्बेडकर भवन तो कुछ नहीं कर सकता। एक अम्बेडकर भवन तो अगर अभी यहाँ 10-15 लोग मर जाएं तो एक अम्बेडकर भवन कुछ नहीं कर सकता, सारे अम्बेडकर भवन मिलकर कर सकते हैं। सब जगह सभा हो तुरंत, सब जगह हो के आप अपने अपना जगह करना, एक ही टाइम पे एक ही जगह सारे लोग एक साथ कहेंगे कि हो, खाली व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे, ना भी भेजेंगे, अगर संविधान को और सरकार को ये पता हो कि ये सब इकट्ठे हैं तो एट्रोसिटीज होगी नहीं, कौन मारेगा इकट्ठे आदमियों को? सरदार इकट्ठे हैं, पकड़ लो किसी की, अगर किसी में हिम्मत है तो किसी की जूड़ी उतार के देख लो आप, किसी में हिम्मत है किसी मुसलमान को उठा के देख लो आप। अभी मुसलमान के खिलाफ में जो उल्टा सीधा हुआ था यहाँ कोविड के टाइम में, जो उनके पीछे लगे थे कि कोविड इनकी वजह से फैला, कोविड इनकी वजह से फैला, हाँ, और जैसे ही उसके साथ में उनका संघ खड़ा हुआ, भाई साहब सारे भगे, आज जिक्र भी नहीं आता उनका, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो सिखों को छेड़ के देख लो, ईसाइयों को छेड़ के देख लो, उनकी पूरे जो देश हैं सारे खड़े हो जाते हैं, करके देख लो। तो सबके संघ हैं भाई, हम ही हैं जो बिना संघ के घूम रहे हैं, जबकि संघ का मालिक हम, संघ का पेटेंट हमारे पास, संघ की वारिस हम, संघ की रजिस्ट्री हमारे पास में, और संघ का अधिकार हमारे पास, दुनिया की किसी इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाओ, समण संघ का मालिक हो रहा और उसके बच्चे हम, तो संघ किसके पास है? संघ तो हमारे पास है, तुम बनाओ अपना जो तुम्हें बनाना है। इसलिए संघ की आवश्यकता है, तो संघ में बिना सोचे समझे, बिना ये जाने, क्योंकि संघ आपसे पैसे नहीं मांगता तो आपको परेशानी क्या है, पैसे तो लेता ही नहीं, तो आपको कहीं कोई डाउट करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो संघ राजनीति में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, इसके लोग जा सकते हैं। जैसे मान लो आपने कहा जी कि भाई मुझे तो चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ना कोई बुरा थोड़ी है, चुनाव लड़ने को तो बाबा साहब ने कहा है, पार्टी बना के दी है, लड़ो, लड़ना चाहिए, और सारे चुनाव इकट्ठे होकर लड़ते हैं तो सबसे बढ़िया है, फिर तो संघ भी सपोर्ट करेगा। अगर एक ही पार्टी हो, 1 लाख पार्टी हो, तो समण संघ तो नहीं उसको कुछ कह सकता, तो आप चुनाव जाके लड़ो, मगर आप संघ के हिस्सा रहोगे, अब एक्टिव नहीं रहोगे आप, क्योंकि आप राजनीति में जाओ, आपका फील्ड अलग है, आपको वहाँ सब लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, मिलना जुलना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आप जाओ। कोई आदमी ये कह सकता है जी कि मैं तो व्यापार करूँगा, तो करे भाई व्यापार, व्यापार करेगा अच्छा है, तो तू समण संघ को कुछ सस्ते में दे सामान, जो समण संघ के संघी लोग हैं, और उसे 20 रुपये कमाता है, इनसे 10 कमा जरूर, इसमें तो कोई शक नहीं, इंडस्ट्री बना। कोई कहता है मैं तो आगे जाके यूनिवर्सिटी खोलूँगा, खोलो भाई, समण संघ के लोग जाएंगे, उनको छूट देना, समण संघ के लोग साथ हैं, उनमें से कुछ लोगों को जाना चाहे तो चले जाएँ। तो समण संघ सारे काम करेगा, क्योंकि सारे लोग इसमें हैं, मगर समण संघ किसी में इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे बुद्ध ने नियम बताया था कि सब लोग साथ रहेंगे, मगर किसी पे कोई दबाव नहीं रहेगा, रहेंगे सब। तो दबाव उन पे होता है
जो बाहर के लोग हैं, जो उन्हें ये पता है कि ये सब इकट्ठे हैं, तो आपने अपने मन में सिर्फ ये ठानना है कि आप संघ ही हैं, आप संघ में हैं, आप किसी भी पार्टी में रहें, कहीं कोई भी दल में रहें, किसी भी फंक्शन में रहें, किसी भी जगह काम करें, मगर आप ये मान चलें कि संघ जब आपको पुकारता है और जब संघ आता है तो हम संघी हैं। एक वॉइस अगर ये हो जाती है कि हम संघी हैं, हम समर संघी हैं, और ये सरकार तक वॉइस चली जाती है कि ये सब इकट्ठे हैं, फिर हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अशोक के समय तक जब तक संघ हमारा था तब तक सब चीज़ हमारे पास थी, हमारा संघ चला गया, हमारी सब चीज़ चली गई, हमारी तो इज्जत भी चली गई, मतलब जो फ्री की चीज़ है वो भी चली गई हमारी तो। और अगर संघ बन जाते हैं तो सबसे पहले इज्जत ही वापस आएगी। संघ जैसे ही आप ये कहेंगे कि हम संघ में हैं और हम संघी हैं, तो फिर आपके पीछे सारे लोग खड़े होंगे, आप उन लोगों के बीच में खड़े होंगे, वो सब लोग एक साथ खड़े होंगे, तो आप कह सकते हैं कि संघ मेरा है और मैं संघी हूँ। फिर आपके अंदर वो पुराना जज्बा पैदा होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं मार सकता। इसलिए हमें जुड़ना है और जोड़ना है, ये कंसेप्ट है और बड़ा साधारण सा कंसेप्ट है।